Lecture 33. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will look at writing specifications and analysis reports. Today, we will examine the different types of specifications common to the computer industry. Then, we will examine the importance and main features of analysis reports. We will also see that terms and conventions often differ from company to company, but that the general framework is similar. For everyone involved in the design phase of the computer industry, hardware engineers, software engineers, technicians, and programmers, specifications are the most important document to be read or written. The audience for specifications is highly technical, but that does not mean that the audience necessarily shares the knowledge of the writer. Computer industry mein jo bhi log involved hote hain unke liye specifications bahut zaruri hoti hain. Jo specifications padhne wale log hote hain, jo readers hote hain specifications ke, wo bhi bahut technical log hote hain aur jo likhne wale hote hain wo bhi bahut technical hote hain, lekin iska ye matlab nahi hai ke jo padhne wale hain unko wo sari knowledge ho jo likhne walon ke paas bhi hai. दोनों के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, लेकिन अपनी अपनी लेवल की है, अपने अपने स्कोप की है. तो इसलिए जब जो लिखने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में खासा फ़र्क होगा. एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन स्पेसिफिकेशंस क्रॉस मेजर प्रोफेशनल लाइंस विद इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ स्पेसिफिकेशन माइट बी रिटन बाय मार्केटिंग पीपल फॉर हार्डवेयर इंजीनियर्स और इवन बाय हार्डवेयर इंजीनियर्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. अब हैं तो ये सारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में, सब कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, लेकिन इन सब का अपना अपना एक शोबा है जिसमें वो एक्सपर्ट्स हैं. तो जो अपने शोबे के बारे में लिख रहे होंगे और दूसरे लोग पढ़ रहे होंगे दूसरे शोबे के, दूसरे डिपार्टमेंट के, वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो एक जितनी हो. तो इसलिए लिखते वक्त ये ख्याल किया जाए कि जो आप लिख रहे हैं वो जो पढ़ने वाले हैं उनकी एग्जैक्टली वो लेवल एक्सपर्टीज़ की नहीं है, वो किसी और चीज़ में एक्सपर्ट होंगे. तो स्पेसिफिकेशंस उस हिसाब से लिखी जाती हैं. इवन दो द लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिकेशंस इज़ प्रिसाइस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज़ थरो, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट द स्पेसिफिकेशंस कैन बी यूज्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस. आप जितनी भी प्रिसाइस लैंग्वेज इस्तेमाल करें, जितनी भी थरोली डिटेल में स्पेसिफिकेशंस लिखें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे जो पढ़ने वाले हैं वो उसको समझ सकें. बिकॉज नथिंग वेस्ट्स मोर टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन देन हैविंग टू फिगर आउट अ पोअरली रिटन स्पेसिफिकेशन. द सिचुएशन इज इवन वर्स व्हेन वर्क हैज़ टू बी अनडन और रीडन बिकॉज द स्पेसिफिकेशंस वर बैड. तो इसलिए ये नौबत ना आए कि स्पेसिफिकेशंस बुरी तरह लिखी गई हों और जिसकी वजह से एक काम उन स्पेसिफिकेशंस को देख के कोई चीज़ बनाई गई हो या काम किया गया हो और फिर उसको दोबारा करना पड़े या उसको अनडू करना पड़े क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई थी वो ठीक नहीं थी. स्पेसिफिकेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स. देर आर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशंस. तो चार किस्म की स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, डिज़ाइन और टेस्ट. और इन सब का जो पर्पस है वो फ़र्क होता है और लिखने वाले भी फ़र्क फ़र्क हो सकते हैं. ऑल्दो द नेम्स ऑफ दी स्पेसिफिकेशंस डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनीज़ में शायद ज़रूरी नहीं है कि यही नाम इस्तेमाल किए जाएं हर कंपनी में डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिकेशंस के, लेकिन हर किस्म की स्पेसिफिकेशन इन चारों में से, चारों तरह की स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है कंप्यूटर कंपनीज़ में जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन, प्रोड्यूस या मार्केट करते हैं. सो ऑल कंपनीज़ विच आर डिज़ाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग अ कंप्यूटर प्रोडक्ट विल बी यूजिंग ईच ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस और स्पेक्स, as we can call them for short. Let's have a look at requirement specifications. Hum sabse pehle requirement specifications ko isliye dekhenge kyunki ye sabse pehla step hota hai kisi bhi naye product ke design phase mein.
या अगर हम कोई प्रोडक्ट है जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तब भी हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस चाहिए होंगी. सो एज द फर्स्ट स्टेप इन द डिज़ाइन फेज, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बिकम वेरी वेरी एसेंशियल. पीपल इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ अ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग व्हाट द मार्केट डिज़ायर्स, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिज़ायर्स ऑफ द मार्केट, depending on the requirements of the market, these market specifications are then laid down. The result of market research is requirement specifications. In these specifications, the marketing people attempt to specify what the market is looking for, what people or companies who use computers would find useful, and what they would like to have. So based on the research that the marketing department does, they determine what the need is, and then they specify that need in terms of specifics so that the product can actually be developed according to what the people who will use it, what the companies who will use it actually desire. Because marketing people are not design engineers, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर एट बेस्ट जनरल. जाहिर है मार्केटिंग के जो लोग हैं वो साइंटिफिक लोग नहीं हैं, वो इंजीनियर्स नहीं हैं, वो डिज़ाइन नहीं कर रहे प्रोडक्ट, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है, लोग क्या चाह रहे हैं. तो इसलिए मार्केटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस जो होंगी वो जनरल होंगी, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी जनरल होगी. द मार्केटिंग पीपल कैन डू नो मोर then provide in the requirement specifications the marketing's best effort to describe what would be a profitable product. Jo marketing ke log hain requirement specifications ke through wo ye bata sakte hain ke sabse behtareen product kis kisam ka hoga, lekin wo uski details jo hain, jo uski scientific details hain, wo requirement specifications mein nahi bata sakte. Requirement specifications basically provide the design groups with a place to start. जिन लोगों ने design करना है उनको एक starting point मिल जाता है कि ये चीज़ दरकार है, अब हम उस हिसाब से इस चीज़ को बनाएंगे, design करेंगे. Often requirement specs will contain enough information so that readers can see relationships to past technology. जो requirement specs हैं उनमें इस तरह की information दी जाएगी कि पहले इस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में थे, लोग ये इस्तेमाल कर रहे थे, पहले टेक्नोलॉजी ये थी, अब इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है या डिज़ायर है लोगों को. तो पिछली जो टेक्नोलॉजी है, पिछला जो काम हो चुका है फील्ड में, उससे भी कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी. एंड इन ऑर्डर टू डू दिस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस शुड कंटेन द फॉलोइंग. दे शुड हैव अ प्रोडक्ट डेफिनेशन. दिस product definition is an accurate description that is written by the marketing people about the desired product. Jitni bhi accurate description wo de sake marketing ke log, utni accurate unko deni chahiye taaki design karne wale logon ko pata chale ke market mein kya cheez chahiye hai. It should answer the question what is it. जो सवाल जाहिर है जिनने डिज़ाइन करना है उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये क्या चीज़ है जो लोग चाह रहे हैं, ये चीज़ क्या है. तो मार्केटिंग के लोगों को रिक्वायरमेंट स्पेक्स में ये चीज़ डिफाइन करनी है कि जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है. देन दे शुड ऑल्सो इंक्लूड फंक्शंस लिस्ट. दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग. कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ये प्रोडक्ट कर सकता है. पहले तो आप बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या, फिर बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या करेगा. एंड दिस देन लीड्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन. द अदर स्पेसिफिकेशन दैट विल बी नीडेड इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन विल बी द कॉस्ट. दिस इज अ बॉल पार्क एस्टिमेट एज टू व्हाट द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड कॉस्ट टू बी कंपेटिटिव इन द मार्केट प्लेस. जाहिर है जो मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें रिसर्च की है, उन्हें देखा है कि और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो इससे सिमिलर हैं या जिनके जिनसे बेहतर प्रोडक्ट हम नया बना सकते हैं. तो
और जब वो रिसर्च करेंगे तो वो कॉस्ट भी देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट है या वो प्रोडक्ट्स किस कीमत पे बिक रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से वो ये भी बताएंगे कि जो नया प्रोडक्ट बने वो ये हो, वो ये काम कर सके और वो इतनी कीमत के अंदर अंदर के इतनी कीमत के आसपास हो ताकि मार्केट में वो कंपेटिटिव होगा और फिर वो बिक सकेगा. एंड देन वी मूव टू द फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस. In most organizations, the requirement specifications lead to the formation of a group to study the desired product. Jab requirement specifications marketing department de dega, to phir ek koi kuch log ya ek group logon ka baithega jo us product ko study karega, us product ko dekhega ki ye aakhir kya cheez hai, ye kis tarah ban sakti hai, ye kya kya kaam kar sakti hai jo रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में बातें लिखी गई थी, जो स्पेसिफिकेशंस मांगी गई थी, हम उनको पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. दिस स्टडी इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू हार्डवेयर फंक्शंस एंड सॉफ्टवेयर फंक्शंस एंड इट लीड्स टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस. जो लोग अब इस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे वो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फंक्शंस देखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, इसके क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं, और फिर उनकी दोनों की फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस लिखी जाएंगी. एंड दीज फंक्शनल स्पेक्स विल फॉर्म द बेसिस फॉर द हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस. एक बार जब ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस लिख ली जाएंगी तो फिर इसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस लिखी जाएंगी. फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस जैसे कि हमने कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में डिवाइड की जाएंगी. हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस एज अ रूल कंटेन अ फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट. दिस फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस यूज एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. जो फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होगी हार्डवेयर की प्रोडक्ट के, वो उस प्रोडक्ट का कि हार्डवेयर का पर्पस यूज और ऑपरेशन बताएगी कि किस तरह इस्तेमाल होगा. ऑल्सो दिस हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस विल डील विद कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशंस. दे विल इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशंस विच विल स्पेसिफाई सच थिंग्स एज हाउ द प्रोडक्ट्स कॉम्पोनेंट्स आर टू बी इंटरफेस्ड विद ईच अदर. जो प्रोडक्ट में के डिफरेंट हिस्से हैं, हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनका आपस में क्या इंटरफेस होगा एंड विद अदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स. देन दे विल ऑल्सो डील विद द इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन. दिस पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉनिक्स विच विल बी यूज टू अकम्पलिश द प्रोडक्ट्स केपेबिलिटीज. कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक काम करे. द हार्डवेयर फंक्शनल स्पेक्स विल डील विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच विल बी अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स. जो जो उस प्रोडक्ट के हिस्से हैं उनकी एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. द स्टैंडर्ड्स विल स्पेसिफाई हाउ द डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड फिट इनटू एग्जिस्टिंग कंपनी स्टैंडर्ड्स. And environmental requirements will be a description of how the product will be used and under what conditions. Product कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, किस तरह इस्तेमाल होगा, environmental conditions क्या होंगी जिनमें वो product इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी hardware functional specifications का हिस्सा होंगे. We will also have diagnostic requirements and power requirements which will describe what sort of power source will be most likely to be used in the new product to run it. We will have a cost target ke costs kya hain, customer ko consumer ko kya cost karega. Jaise ki humne baat ki thi ke requirement specifications mein bhi cost ka zikr hoga lekin wo sirf desired cost hogi aur functional specifications mein ye bataya jayega ke sachmuch kya cost padegi. We will also have a maintenance cost target. This establishes what the expected maintenance costs are likely to be per month. Zahir hai jab ek product banega to usko phir maintain bhi karna hai, to pehle to humne uski cost ki baat ki ki usko banne mein kya costs aayengi, kitna kharcha aayega, aur phir hum ye baat karenge ki usko maintain karne mein kitna kharcha aayega,
हर महीने. वी विल ऑल्सो हैव रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स. दिस स्पेसिफाइज वट रिसोर्सेज विल बी नीडेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट. ज़ाहिर है जब एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए लोग चाहिए होंगे जो उसको डिज़ाइन कर सकें, बहुत सा इक्विपमेंट चाहिए होगा. ये सब चीज़ें रिसोर्सेज हैं. तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में ये भी बताया जाएगा कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन विल बी स्पेसिफाइड. दिस विल आउटलाइन द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रोडक्ट, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोडक्ट के लिए चाहिए हैं. डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस, दिस कुड बी मैनी थिंग्स, यूजली इंक्लूडिंग द मैनुअल्स विच विल अकंपनी द प्रोडक्ट. हमने पहले भी बात की चंद लेक्चर्स पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की. एक ये एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोडक्ट्स के साथ जाता है. तो इसी तरह के और भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी जो एक प्रोडक्ट के साथ डेवलप करनी पड़ेगी, तो उसकी भी उसका भी लिखा जाएगा कि ये भी एक चीज़ चाहिए है, ये भी एक हार्डवेयर का ही हिस्सा होगा. देन दी स्पेसिफिकेशंस विल ऑल्सो इंडिकेट द रिस्क्स विच विल बी अ डिस्कशन ऑफ द रिस्क्स इनहेरेंट इन परसुइंग द डिज़ाइन, द डिवेलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, के क्या क्या चीज़ें हैं जो अंदेशा है कि गलत भी हो सकती हैं जब इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, डिवेलप करें और मार्केट करेंगे. इनकी भी पहले से ही बात की जाएगी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में ही बात बताया जाएगा कि हम ये प्रोडक्ट बना तो रहे हैं लेकिन अगर उसमें कुछ भी अंदेशा है गलत होने का तो वो पहले से बताया जाए ताकि बनाने वाले जो हैं वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें. एंड एनी अजम्पशंस विच विल डिस्क्राइब, एनी अंडरलाइंग अजम्पशंस विच कैन बी मेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डिवेलपिंग एंड मार्केटिंग इट. बहुत बार ये होता है कि हमारे दिमाग में पहले से भी कुछ अंदाजे होते हैं, पहले से भी कुछ अजम्पशंस होती हैं किसी चीज़ के बारे में. तो वो भी जो अजम्पशंस हैं जो कि बेस्ड होंगी हम जो उस प्रोडक्ट के और उस मार्केट के बारे में पहले से बातें जानते हैं उसके ऊपर, वो अजम्पशंस भी लिखी जाएंगी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में. द फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस विल ऑल्सो डील विद एनी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज इवन इन डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी थारो लाइक दीज स्पेसिफिकेशंस. There will be issues which will remain unresolved, and if this applies, the issues should be presented and discussed. जो भी ऐसे issues हैं जो कि लिखने वालों को, जो specs लिख रहे हैं उनको लगता है कि हैं तो लेकिन अभी इनका कोई फैसला नहीं हुआ है, उनका भी जिक्र करना चाहिए. And then a glossary which is a list which tells about terms which may be potentially unfamiliar to the readers. This is to ensure that readers can understand and use the specifications. जो भी मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो शायद रीडर्स को पता ना हो, उनकी एक लिस्ट दी जाएगी स्पेक्स के आखिर में ताकि यूजर्स उन स्पेक्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें. ये तो बात थी हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस की. अब जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस. सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आर सिमिलर टू हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस बट देर आर सम डिफरेंसेस एंड वी विल टॉक अबाउट दोज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग दोज स्पेसिफिकेशंस विच आर कॉमन टू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस. जो ऐसी चीज़ें हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेक्स में कॉमन हैं उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ वो हैं जो सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेक्स में एक्स्ट्रा चाहिए हैं उनका मैं डिटेल में जिक्र करूँगी. सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेक्स यूजुअली कंटेन अ फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फीचर्स विच विल डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल, डिपेंडेंसीज विच इज़ एन एलैबोरेशन ऑफ वॉट द इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर विल डिपेंड अपॉन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम जिस तरह हमने हार्डवेयर स्पेक्स के बारे में भी बात की उसी तरह रिस्क, अजम्पशंस, कॉस्ट टारगेट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट टारगेट्स, रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्लॉसरी. ऑब्वियसली the level of detail increases dramatically between requirement specifications and functional specifications.
और ये इसलिए है कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जैसा कि हमने पहले बात की, मार्केटिंग के लोग लिखते हैं, तो वो फिर इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, इतनी टेक्निकल नहीं होती। उसके बाद फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, उनमें सारे फंक्शंस डिस्क्राइब किए हुए होते हैं एक प्रोडक्ट के। और फिर जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं वो इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल होती हैं। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर देन बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। जाहिर है जब फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस लिखी जाती हैं तो उसके बाद ही एक प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन होना शुरू होता है कि अब ये फंक्शंस होंगे, तो अब फिर उन फंक्शंस को डिज़ाइन भी करना है, ऐसा प्रोडक्ट जो वो फंक्शंस पूरे कर सके। द गोल ऑफ डिज़ाइन स्पेक्स इज़ टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिज़ाइन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स फीचर्स। जो प्रोडक्ट में फीचर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उन सब की डिटेलिंग और उन सब की डिज़ाइनिंग की डिटेल्स जो है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस में दी जाती है। एंड दीज स्पेसिफिकेशंस आर रिटन वाइल द डिज़ाइन प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग। ये नहीं कि पहले से लिख के फिर उनको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, साथ के साथ उनको लिखा जाता है जैसे जैसे डिज़ाइन हो रहा हो। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आर लेटर यूज्ड एज द बेसिस फॉर टेस्ट प्लान्स एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस जनरली कंटेन सम वर्जन्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। दे कंटेन एन इंट्रोडक्शन विच शुड बी अ थ्री पार्ट purpose statement, introduction which explains the need for the product, lists the specific features of the product and forecasts the contents and use of the design specification. Jo ek introduction hoga design specification ka, wo teen purpose fulfill karega. Sabse pehle wo us product ki need batayega ki ye product kyun chahiye, phir wo batayega ki kaun kaun se specific features honge product mein, aur फिर उसके फोकस्ड करेगा यूजर्स और कंटेंट्स। इट विल आल्सो हैव अ सेक्शन ऑन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द प्रोडक्ट। एक लिस्ट होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोडक्ट के हवाले से इस्तेमाल किए जाएंगे। एंड सच अ लिस्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द टेक्निकल राइटर्स who would be producing the documentation manuals for the product. जो technical writers हैं जो documentation manuals बनाएंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी documents हैं उनकी details दी जाएँ कि क्या क्या documents साथ चाहिए हैं। Then design specifications will also include functional description of the product, and this section which talks of the functional description will be a detailed description of the functions of the product, as is apparent from the name, what the product is designed to do and how it is designed to do it. Bataya jayega ke is product ke functions kya kya hain, ye product kya kya kaam kar sakta hai, design jo kiya jayega wo kis cheez ke liye kiya jayega aur kis tarah kiya jayega. We will also talk about external interfaces, a section which will specify all the interfaces which apply to the product, and we will also talk about the detailed design of the product. This section will basically talk in detail with specifications about the design of individual aspects of the product's functions. Jo bhi product ke different functions hain unke design ki detail batai jayegi, and this section will be the most detailed section of द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस। बाकी जो सेक्शंस हैं वो छोटे होंगे, लेकिन ये डिटेल्ड डिज़ाइन जहाँ आ रहा है, जाहिर है ये ही हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन है, क्योंकि हम डिज़ाइन की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा स्पेस हम इस सेक्शन को देंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग कंसिडरेशंस, एंड इन दिस सेक्शन वी विल डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्डवेयर विद विच अ प्रोग्रामर वुड कम इन टू कॉन्टैक्ट। जाहिर है जब एक प्रोग्रामर है वो कुछ डिज़ाइन कर रहा है, तो हार्डवेयर से के जिन जिन एस्पेक्ट से उसका ताल्लुक रहेगा उन सब की डिटेल भी बताई जाएगी। वी विल टॉक ऑफ पावर रिक्वायरमेंट्स, वी विल टॉक ऑफ रिलायबिलिटी विच विल टॉक अबाउट हाउ रिलायबल द प्रोडक्ट दैट इज डिज़ाइन विल बी एंड वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ इट
विद रिगार्ड टू सर्विस एंड मेंटेनेंस, किस तरह उसको सर्विस किया जाएगा, किस तरह उसको मेंटेन किया जाएगा, और उस तरह अगर हम उसको मेंटेन करेंगे, सर्विस करेंगे, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस किस्म का काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो कितना रिलायबल होगा. वी विल देन टॉक ऑफ एज वी डिड इन फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, वी विल टॉक ऑफ डायग्नोस्टिक कंसिडरेशंस, स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, एंड वी विल हैव अ ग्लॉसरी. नाउ द सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन is also similar to the hardware design specifications. जैसे कि हमने functional specs में देखा था कि software design, software functional specs थी और hardware functional specs थी. इसी तरह design specs में भी software design specs हैं और hardware design specs हैं, क्योंकि जाहिर है दोनों चीज़ें ही design होंगी, hardware भी design होगा, software भी design होगा. और जैसे कि हमने पहले किया था, जो कि differences हैं hardware और software design specs में, अब हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे. अभी जो आपने देखे थे वो हार्डवेयर डिज़ाइन के स्पेक्स थे, अब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के स्पेक्स देखेंगे, जो कि हार्डवेयर डिज़ाइन में नहीं हैं, जो एडिशनल हैं वो हम देखेंगे. ये याद रहे कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं वो टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और टेक्निकल राइटर्स इस्तेमाल करते हैं उसको यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी. And to meet these two purposes of using these software design specs for testing and for user documentation, the software design specs should contain an introduction. They should have a description of the applicable documents, jaise ki hardware design specs mein tha, and they should have a functional description, which will be subdivided into however many functional features the software has. Agar software mein ek se zyada functional features hain, तो उन सब की अलग अलग डिस्कशन होगी. देन देयर विल बी डिस्कशन ऑफ द जनरल डिज़ाइन. दिस सेक्शन विल डिटेल द वे इन विच द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स आर मेट. अगेन हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेक्स की तरह ये सेक्शन भी सबसे ज़्यादा डिटेल होगा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेक्स का, एंड इट विल इंक्लूड सच मटीरियल एज डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा फ्लो, program relationships, etc. We will then have memory requirements, performance and restrictions. ये एक ऐसा section है जो hardware की, जब हमने discussion की थी hardware की design की, तब हमने नहीं इसको देखा था, लेकिन software design specs में हम इसको include करेंगे. And this section will detail how the software fits into and uses computer memory. Also, it assesses the performance of the software and presents any restrictions which might apply. जो भी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है वो बताएगा कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा और किस तरह नहीं परफॉर्म कर सकता, ये भी उसमें बताया जाएगा. वी विल ऑल्सो लिस्ट एनी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स विच विल डिस्कस सच मैटर्स एज सिक्योरिटी, यूजबिलिटी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. वी विल टॉक अबाउट अ टेस्ट स्ट्रैटेजी. And in this section, we will present any helpful suggestions that could be used in developing a test plan for the software. Zahir hai, jo bhi software hai, wo test kiya jayega. To uske liye, jo bhi strategies hongi, wo is section mein batai jayengi. Then we will talk about any deviations from functional specifications. Pehle jo aap, zahir hai, design specifications hai, jo hai, wo functional specifications ki basis pe hi banti hai. तो फिर इसमें एक सेक्शन लिखा जाएगा जो आप कोई चेंजेस कर रहे हैं फंक्शनल स्पेक्स से को लेके, अब आप चेंज कर रहे हैं, कुछ डिविएशन कर रहे हैं, वो उनका जिक्र किया जाएगा. आप फिर इंटरफेसेस के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपने हार्डवेयर के लिए बताया, और फिर ग्लॉसरी अगर ज़रूरत हुई तो ग्लॉसरी भी आप इंक्लूड करेंगे. जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी कंप्यूटर प्रोडक्ट की, वो जनरली लोगों को उससे यही शिकायत होती है कि वो अनरीडेबल है, अनयूजेबल है, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है. लेकिन अगर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा से मेहनत करके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को अच्छी तरह लिखें, थरली लिखें, ऑडियंस को मद्देनज़र रख के लिखें, जो कि टेक्निकल राइटर्स हैं ऑडियंस, जो जिन्हें इस्तेमाल करना है, जो कि यूज़र्स हैं कंप्यूटर के, उनको भी मद्देनज़र रखें, और फिर उसको प्रेजेंट करें अपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को,
तो जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत इम्प्रूव कर जाएगी। तो इसलिए डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि अच्छी तरह लिखी जाएं, क्लियरली लिखी जाएं, क्योंकि उन्हीं को देख के टेक्निकल राइटर्स भी जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे और जो यूज़र्स हैं वो भी उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्पेसिफिकेशंस दैट विल बी नीडेड टू दैट यू विल बी राइटिंग इन अ कंप्यूटर कंपनी, टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। बिफोर अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड, इट मस्ट बी टेस्टेड। आपने पहले आपको रिक्वायरमेंट स्पेक्स मिली, फिर फंक्शनल स्पेक्स मिली, फिर डिज़ाइन स्पेक्स मिली। अब उसको आपने डिज़ाइन तो हो गया प्रोडक्ट, लेकिन उसको मार्केट करने से पहले आपने उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए भी आपको टेस्ट स्पेसिफिकेशंस चाहिए हैं और उनकी बेसिस पे ये देखा जाएगा कि मार्केट कंडीशंस में ये प्रोडक्ट जो है किस तरह परफॉर्म करेगा। दिस प्रोसीजर शुड बी स्पेसिफाइड कंसिस्टेंटली अक्रॉस अ कंपनी एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग एज अ गाइडलाइन। Test specifications should have an introduction, like all other specs. It should have a discussion of applicable documents. Those documents might describe test procedures on similar products which have been designed and developed in the past. Whatever discussion there is of products and tests that have been done on other products will be included in this discussion of applicable documents. There will be a description of the unit to be tested. वो जो यूनिट जिसको टेस्ट करना है वो क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। टेस्टिंग मेथड की डिस्कशन होगी जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होगी टेस्टिंग प्रोसीजर की। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली देर विल बी अ सेक्शन ऑन प्रिकॉशंस। दिस सेक्शन विल डिटेल एनी स्पेशल केयर दैट मस्ट बी टेकन इन द टेस्टिंग प्लेस। जब एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह ना करें वरना ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। एंड द सेम डिग्री ऑफ प्रिकॉशंस अप्लाई हेयर एज दे डू फॉर प्रोसीजर्स। सो यू विल अप्लाई द सेम डिग्री ऑफ कॉशन एज यू विल व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द प्रोडक्ट, एज व्हेन यू आर एक्चुअली पुटिंग दैट प्रोडक्ट इनटू प्लेस। एंड देन देयर विल बी अ ग्लॉसरी। अगेन जिस तरह कि हमने बाकी स्पेक्स में देखा, एक ग्लॉसरी अगर ज़रूरत है, कोई भी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है उनकी डिटेल लिखी जाएगी, उनकी डेफिनेशंस लिखी जाएंगी ताकि जो स्पेक्स पढ़ रहे हैं उनको स्पेक्स को समझने में आसानी हो। अब ये तो बात हो गई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस की। जो दूसरी चीज़ हमने आज के लेक्चर में देखनी है वो है एनालिसिस रिपोर्ट्स। एनालिसिस रिपोर्ट्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। People call them formal reports, project reports, final reports, job ending reports, etc. These reports are an important aspect of documentation within the computer industry. The important thing to remember is that no report format is perfect. आपका कोई भी आपके पास report का format होगा वो ऐसा perfect नहीं है कि वो हर situation में इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए ये आप याद रखिए कि आपके नीड्स के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी कंपनी के हिसाब से और हर पर्पस के हिसाब से रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज होगा। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इशू ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट बाय प्रिस्क्राइबिंग अ फॉर्मेट इनटू व्हिच ऑल एनालिसिस रिपोर्ट्स आर पोर्ड। बहुत बार कंपनीज एक फॉर्मेट दे देती हैं और कहती हैं कि हर रिपोर्ट इसी फॉर्मेट के अंदर आप डालें, लेकिन जो रिपोर्ट डिज़ाइन है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि डिफरेंट पर्पजेज़ को वो मीट कर सके। अगर सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आपने हर किस्म की रिपोर्ट लिखनी होगी तो बहुत सी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी। सो द रिपोर्ट डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट अ वराइटी ऑफ राइटर पर्पजेज एंड अ वराइटी ऑफ ऑडियंस नीड्स। द टाइटल पेज ऑफ अ रिपोर्ट should be designed with a visual order in mind. It should be balanced from top to bottom and from left to right, and it should provide enough information for readers to be able to tell what the context of the report is and what the report is about. Jo bhi ek analysis report aap likh rahe hain
उसके टाइटल पेज से ये पता चलना चाहिए कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है. ऑल्सो टाइटल्स शुड बी केप्ट रिलेटिवली शॉर्ट, दे शुड बी नो मोर देन 10 to 12 वर्ड्स. बहुत लंबे टाइटल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो समझने में दुश्वारी होती है. टाइटल एक ऐसा होना चाहिए जो 10 से 12 अल्फाज के अंदर अंदर आ जाए ताकि पढ़ने वाले उसको फ़ौरन देख के, एक ग्लांस पे ही देख के उसका समझ सकें कि ये रिपोर्ट किस, एनालिसिस रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है. अगर टाइटल आपका दो हिस्सों में है, इफ़ इट्स अ टू पार्ट टाइटल, देन इट कैन बी अ लिटिल लॉन्गर. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको समझने में वैसे ही आसानी हो जाती है, तो फिर आप उसको बेशक थोड़ा लंबा भी कर लें फिर भी समझने में दुश्वारी नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है. टू पार्ट टाइटल्स आर फेयरली यूजफुल बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज स्पेसिफिक इंडिकेटिंग द मेन पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट एंड और the most important aspect of what was done. जो भी काम किया गया है, जिसको एनालाइज किया जा रहा है, सेकेंड पार्ट में जो टाइटल का सेकेंड दूसरा हिस्सा है उसमें उसका मेन पॉइंट बताया जाता है या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो था उसका जिक्र किया जाता है, जबकि पहले पार्ट में टाइटल के एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है. इन एनालिसिस रिपोर्ट्स वी हैव एब्स्ट्रैक्ट्स. एब्स्ट्रैक्ट्स आर condensations of entire reports and they focus on main issues, they focus on what was done, what was found out and the significance of that. You have to remember that abstracts should be self-sufficient. Abstract पढ़ के ही समझ आ जानी चाहिए कि पूरी रिपोर्ट में क्या था, फिर abstract के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. The procedure for many companies is to take the abstract from the analysis report, copy it a number of times, circulate it to different readers and allow readers to order the full report if they feel that they need the information. Ek abstract ki basis pe audience ko bahut pata chal jata hai ki hame puri report padhni hai ya nahi padhni. To companies abstract ko copy karke different logon ko de deti hain aur phir jo usme se log samajhte hain ki ye report hamare kaam ki hai wo phir us report ko order kar dete hain. Let's have a look at an example of an informative abstract. Plotfile is a program written for Concord Sciences Corporation as a solution to the graphic problems. Specifications were made by the president of the company and followed with two exceptions. The program now in use also has additional features. The user provides information through interactive commands on a video display terminal to specify desired plotting formats. With flexible logarithmic and linear capabilities, the program then draws the desired axes or grids and plots the sets of points read from the data file. अब इस abstract में सारा पता चल गया कि report के अंदर पूरा क्या है. अब जो लोग पढ़ना चाहेंगे report को इस abstract की basis पे वो ही इस report को order करेंगे. Another thing that is important to include in analysis reports is the table of contents. The table of contents provides an outline of analysis reports for readers who do not wish to read the entire report. Or for readers who do not wish to flip through it, looking for sections which contain what they're looking for. जैसा कि आपने किताबों में भी देखा होगा, एक table of contents होता है और उसकी जो भी entries होती हैं वो correspond करती हैं जो entries किताब के अंदर होती हैं. इसी तरह आपकी analysis reports में भी एक table of contents होगा and all the headings and subheadings will correspond to the headings and subheadings given in the analysis report. They will be word to word the same. And they will have accompanying page numbers. You will also have a list of symbols, but this is an optional addition to the front matter of an analysis report. You will include a list of symbols if you think the readers will need to have symbols defined, and the same thing applies to the inclusion of a glossary. Now, after all these, this front matter, you will have the introduction. This is the place for the three-part purpose statement introduction. It will orient readers to the main issue of the report, to the technical issues or specifics which are important to the report, and to what the report is intended to accomplish. Jo bhi aise mamlaat hain jo aap chahte hain ki batana chahte hain ki report mein in cheezon ko deal kiya jayega,
क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं, क्या क्या स्पेसिफिक्स हैं जो ज़रूरी हैं इस रिपोर्ट में, उन सब का जिक्र आप इंट्रोडक्शन में करेंगे. आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू विल हैव द डिस्कशन विच विल कंटेन एन एनालिसिस ऑफ द टेक्निकल इश्यूज विच आर इम्पॉर्टेंट टू द रिपोर्ट. इंट्रोडक्शन में तो आपने सिर्फ बताया कि ये इश्यूज की हम बात करेंगे, अब डिस्कशन में आप उन इश्यूज को एनालाइज करेंगे. यू विल ऑल्सो सपोर्ट द मेन आइडिया टू द रिपोर्ट बाई प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशंस. जो भी मेन आइडिया था उसके बारे में जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशंस होंगे, जो भी दलाइल होंगे, आप उनको डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे. योर डिस्कशन शुड बी सब डिवाइडेड इन टू टॉपिक्स एंड ईच टॉपिक विल हैव अ सब हेडिंग. After the discussion, you will have the conclusion. This section will present the results of the analysis. Jo bhi cheez aapne analyze ki hai, uska jo result hai, wo conclusion mein aayega. The evaluation of what is presented in the discussion will be part of the conclusion. Aap discussion mein jo bhi cheez aapne discuss ki, uski evaluation, usko, uske baare mein kya judgment hai, wo aap conclusion mein likhenge. Sometimes, listing the conclusion is a good way to organize them. जो भी conclusions हैं उनको आप list के तौर पर भी point by point भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि पढ़ने वाले को आसानी से सारे concluding points मिल जाते हैं. It also listing calls attention to the each conclusion individually and it still enables writers to explain them as necessary. अगर आपने एक एक करके point करके उनको conclusions को लिखा है तो पढ़ने वालों को भी एक एक पॉइंट अलग अलग नज़र आता है, और लिखने वाले को भी अगर किसी पॉइंट की मज़ीद वजाहत करनी हो तो वो कर सकते हैं. द रिकमेंडेशन सेक्शन इज ऑप्शनल. नॉट ऑल एनालिसिस हैव रिकमेंडेशंस. दोज रिपोर्ट्स दैट डू हैव रिकमेंडेशंस टेल द रीडर्स व्हाट टू डू विद द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द रिपोर्ट. ज़रूरी नहीं है कि हर एनालिसिस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस हों, लेकिन जब होंगी तो वो ये बता रही होंगी कि जो आपको रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मिली उसके साथ अब आपने क्या करना है. यू कैन हैव अपेंडिसेस इन योर एनालिसिस रिपोर्ट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट अपेंडिसेस आर नॉट द डंपिंग ग्राउंड फॉर मटेरियल दैट इज लेफ्ट ओवर. दे सर्व अ प्रिसाइज पर्पस. आप ये ना सोचें कि जो चीज़ आप रिपोर्ट में नहीं इस्तेमाल कर सके उसको अपेंडिक्स में डाल दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है. अपेंडिक्स में भी जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाए उसका एक पर्पस होना चाहिए. If there is information which is not vital to understanding the main and technical issues of an analysis report, it can be placed in an appendix for purposes of documentation. अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल की हैं लेकिन वो मेन हिस्से में इसलिए लिखना, उनको इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको पढ़े बगैर भी जो मेन डिस्कशन है वो समझ आ सकती है, लेकिन ये चीज़ें फिर भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनके बगैर कुछ समझने में दुश्वारी हो, तो फिर उन चीज़ों को आप अपेंडिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं. यूजुअली दिस काइंड ऑफ थिंग्स वुड इंक्लूड डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस, टेबल्स ऑफ रॉ डेटा, सैम्पल इक्वेशंस एंड सो ऑन. जो चीज़ें आप दिखाना चाहें ऑडियंस को, लेकिन उनको देखे बगैर भी पढ़ने वालों को मतलब समझ आ जाए. द ओनली वे टू बी सर्टन that what you have included in the appendix actually belongs there is to assess the audience's needs. aap apne aap ko madde nazar na rakhein, aap apne padhne walon ko madde nazar rakhein aur ye sochein ki unko is cheez ki kitni zarurat hai. agar essential hai unke liye to usko main section mein rakhein, agar kam essential hai lekin aap dikhana chahte hain ki ye cheez, ye information istemal ho gayi hui hai ya ye information aapne collect ki hai, to usko phir aap appendix mein rakhein. in this lecture we have learnt about the different types of specifications which are common to the computer industry. We've examined the importance and main features of analysis reports, and we have also seen that terms and conventions often differ from company to company, but the general framework is the same. to ab is discussion ki ke baad specifications or analysis reports ki discussions ke sath aaj ka lecture hum khatam karte hain. until next time, Allah Hafiz.